हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। लीब्रा कैल्क में हम वी लुकअप और एच लुकअप का यूज सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीका है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डेटा है, ये तो एक बड़ा ही छोटा सा डेटा है, अगर बड़ा भी डेटा हो तो आप इजिली ऐसे ही उस पर काम कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कोई नेम जैसे ये सचिन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यही रख लेता हूँ, ठीक है। इसको पेस्ट किया मैंने तो ये सचिन नेम यहाँ आ गया। अब किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स या टोटल मार्क्स या कुछ भी एक टाइटल यहां से भी सेलेक्ट कर लेता हूं, इसे टोटल मार्क्स सेलेक्ट किया हमने और यहां रख लेता हूं इसको, ठीक है। अब हमें इसी के बेस पे कैलकुलेट करना है। अब सपोज कीजिए वी लुकअप क्या है, वर्टिकली लुकअप करता है, तो यहां वी लुकअप का फॉर्मूला हमने लगाया वी लुकअप, ठीक है। और वी लुकअप लिखने के बाद, ठीक है, आपने देखा होगा एक्सेल में आप कैसे करते थे, लेकिन यहां पर बात एक्सेल की नहीं है, यहां पर बात है लीब्रा कैल्क की। तो तरीका सेम है, देखिए यहां पे इस पर क्लिक कीजिए, हम किसको खोज रहे हैं, सचिन को खोज रहे हैं, तो सचिन को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, ठीक है। इसके बाद कहां से खोज रहे हैं, तो इसी पूरे टेबल से हम कहीं से खोज रहे होंगे सचिन को, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया, F4 दबा के फिक्स किया, सब कुछ फिक्स हो गया, रो कॉलम सारी चीजें फिक्स हो गई, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद अब हमें यहां पर कॉलम नंबर पता करना है, ठीक है। कॉलम नंबर कौन सा है जिसमें यह लिखा हुआ है, तो अभी क्या करेंगे हम, कॉलम इंडेक्स नंबर पता करेंगे, तो ये पहले कॉलम में होगा जो भी होगा। जैसे हमें टोटल मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो ये टोटल मार्क्स को ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं चाहे तो, या हम यहाँ पे कॉलम नंबर दे सकते हैं। जैसे मैं पहले कॉलम नंबर दे के बताता हूं, देखिए यहां पर ये कॉलम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6 और ये 7। तो अगर हम यहां पे 7 देते हैं, कॉमा देते हैं, आपको पता है एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा 0 लिखा जाता है, अगर आपको एप्रोक्स मैच चाहिए तो 1 लिख सकते हैं। तो इसको आप क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे 227 मार्क्स आ रहे हैं। ये किन के हैं, सचिन के हैं, देखिए हैं या नहीं, है ना। अब देखिए अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है, इसको हटा देता हूं, देखिए यहां से इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, सचिन को हटा दिया मैंने, अभी यहां एनए आ गया, नॉट एप्लीकेबल। अब कोई और नेम मैं यहां पे ले आके रख देता हूं, ठीक है, क्लिक किया हमने, इसको कॉपी किया और यहां पे ले आके कोई और नेम हमने रख दिया, ठीक है। तो अभी रितेश के कुल कितने मार्क्स हैं, 168 यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये टोटल मार्क्स हैं। अभी इसको हटा देता हूं मैं, यानी कि यहां से डिलीट करता हूं, इसको हटाता हूं, टोटल मार्क्स हटा दिया हमने। हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट 2 का मार्क्स चाहिए, तो ये सब्जेक्ट 2 को सेलेक्ट कीजिए और यहां पे ले आके पेस्ट कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं ये सब्जेक्ट 2 का मार्क्स है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, यहां पे हम ये पूरी चीज हटानी होगी हमें, ये डायरेक्टली चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी हम इसको डिलीट करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप लगाते हैं, ठीक है। और वी लुकअप लगाने के बाद हम किसको खोज रहे हैं, हम सब्जेक्ट 2 को खोज रहे हैं, ठीक है। ये सेलेक्ट किया हमने, अच्छा वर्टिकली लुकअप करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये कभी भी अगर आप सब्जेक्ट 2 को सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको एच लुकअप फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है, एरर आ जाएगी। तो एच लुकअप कैसे यूज करेंगे वो दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ वी लुकअप नहीं बल्कि एच लुकअप यूज करेंगे, तो यहाँ एच लुकअप लिखा हमने, ठीक है। और एच लुकअप लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट 2 को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया, कहाँ मिलेगा ये, यही कहीं पूरे टेबल में मिल जाएगा, ये सेलेक्ट कर लिया हमने, F4 दबा के फिक्स किया, कॉमा दिया, ठीक है। अब यहां पर रो नंबर हमें पता करना है, ठीक है, रितेश कौन से रो में है, तो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, यानी कि रितेश जो है छठे रो में है, कॉमा दिया, 0 दिया, एग्जैक्ट मैच के लिए बंद किया, एंटर प्रेस किया। तो यहां रितेश के जो सब्जेक्ट 2 में मार्क्स हैं वो 27 मार्क्स हैं, आइए देखते हैं है या नहीं। यहां पे देखिए 27 मार्क्स हैं या नहीं, बिल्कुल है, कोई दिक्कत इसमें। अब यहां पर सब्जेक्ट 2 को मैं हटाता हूं, ठीक है, मैं यहां पर सब्जेक्ट 2 की जगह क्या लिख रहा हूं, सब्जेक्ट 3 लिखता हूं, ठीक है, यहां लिखता हूं सब्जेक्ट 3, लिख दिया, एंटर प्रेस किया। अब सब्जेक्ट 3 में रितेश के कितने मार्क्स है, 42। तो यहां पे अपने आप इस तरह से आता जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि एच लुकअप क्या काम करता है और वी लुकअप। अब देखिए यहां पे एच लुकअप का फॉर्मूला लगा हुआ है, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये एच लुकअप का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरह से आप लीब्रा कैल्क में एच लुकअप का फॉर्मूला और वी लुकअप का फॉर्मूला दोनों यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।